Hello friends, welcome to my channel Mechanical Wing. Today I am going to simply start conduction convection through a composite wall. Previous lecture mein hum padhe the conduction ke bare mein padhe the, composite wall ke bare mein padhe the, but yahan pe hum padh rahe hain conduction aur convection. Conduction to padhe hi the, ab dekhte hain convection ka case consider karenge. To conduction convection through composite wall, jab dono ko saath milenge to isme formula kis step se aayega, iska overall heat transfer coefficient kis step se aayega. तो सिंपली हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. प्रीवियसली ये हमारा कंपोजिट वॉल हो गया. सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस की तरह, ये T1, ये T2 एंड ये T3. डिस्टेंस B1 एंड डिस्टेंस B2. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब फर्स्ट इज K1 एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब सेकंड इज K2. एंड सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर या फिर कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर. यहाँ पे कोई कोल्ड फ्लूड रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है और इसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट H2 है. यहाँ पे कोई कोल्ड फ्लूड है, यहाँ पे कोल्ड फ्लूड है, इसको हम ऐसे मार्क कर देते हैं. एक मिनट, यहाँ पे कोल्ड फ्लूड है जिसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है एंड H2 कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है. और यहाँ पे हॉट गैस है, यहाँ पे क्या है, हॉट गैस है, हॉट गैस यहाँ पे सराउंडेड है. इसका जो टेम्परेचर है ये TG है और इसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट H1 है. तो यहाँ का जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये जो होगा TG is always greater than T1 and T1 is always greater than T2, T2 is always greater than T3 and सबसे लेस क्या होगा, T infinite, यानी कि कोल्ड फ्लूड का जो टेम्परेचर है सबसे कम होएगा. अब यहाँ पे इस केस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कंपोजिट स्लैब को हम सॉल्व करते थे तो वहाँ पे हम RTH बनाते थे थर्मल रेजिस्टेंस टाइप का, बट यहाँ पे दो RTH बनेगा ही और दो एक्स्ट्रा बनेगा कन्वेक्टिव के लिए. मतलब यहाँ पे जो कन्वेक्टिव यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, हम ड्रॉ किए थे, तो कन्वेक्शन के चलते जो यहाँ पे RTH डेवलप हो रहा है इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. तो यहाँ पे टोटल चार रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ का जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर TG है, दिस टेम्परेचर इज T1, दिस टेम्परेचर इज T2, दिस टेम्परेचर इज T3 एंड लास्ट टेम्परेचर इज T4 कोल्ड फ्लूड. अब यहाँ पे हम सभी का RTH फाइंड करेंगे. जैसे कि आप तो इसका तो जानते ही हैं कंडक्शन का RTH कैसे फाइंड करते हैं, पहले मैं ये लिख दे रहा हूँ. तो कंडक्शन का जो हम निकालेंगे RTH, तो ये हो जाएगा RTH2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली B1 डिवाइड बाई K1A और इसका निकालेंगे, सेकेंड का निकालेंगे, RTH निकालेंगे थर्ड के लिए, ये हो जाएगा B2 डिवाइड बाई K2. इसको तो हम पहले निकाल चुके थे, बट यहाँ पे एड क्या हुआ है, यहाँ पे एड हुआ है हॉट गैसेस एंड कोल्ड फ्लूड. अब हॉट गैस क्या है, ये कन्वेक्शन का केस है. तो कन्वेक्शन के केस में क्या है कि कन्वेक्शन केस में जो RTH हम फाइंड करते हैं, ये वैल्यू हम इससे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ. प्रीवियस लेक्चर में हम RTH फाइंड किए थे कन्वेक्शन के केस में. ये क्या है, कन्वेक्शन का केस है. तो कन्वेक्शन केस में RTH क्या होता है, 1/HA, यानी कि 1H होगा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, A होगा एरिया. तो यहाँ से ये फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 1/HA, 1/HA होएगा, तो ये होगा 1/H. एच के यहाँ पे क्या है, एच यहाँ पे H1 है एंड एरिया क्या है, एरिया A है इसका. एंड सेकेंड के लिए भी हो जाएगा RTH, ये फोर्थ के लिए हो जाएगा RTH, 1/HA होता है, तो H यहाँ पे क्या है, H2 है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसके लिए H2 है और एरिया क्या है इसका, सेम एरिया ए ही है. अब यहाँ से हम Q का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो जैसा कि हम Q का वैल्यू जानते हैं कैसे फाइंड करना है, तो Q = तो हम जानते ही थे कि डेल्टा टी डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्या होता है, RTH होता है, समेशन ऑफ RTH होता है. तो Q = ∆T, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, तो TG - T इन्फिनिटी. अब यहाँ पे TG ये टेम्परेचर
और डायरेक्ट ये टेम्परेचर, इसको कंपेयर करेंगे, बीच वाला टेम्परेचर कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है। तो टी जी माइनस टी इन्फिनिटी एंड डिवाइड बाई समेसन ऑफ आर टी एच, समेसन ऑफ आर टी एच का यहाँ पर हो जाएगा मतलब समेसन ऑफ आर टी एच हो जाएगा यहाँ पे ओवरऑल जितना भी आर टी एच सबका समेसन कर देंगे, मतलब आर टी एच फर्स्ट प्लस आर टी एच सेकेंड प्लस आर टी एच थर्ड प्लस आर टी एच फोर्थ सब लिखेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे ऑल वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फर्स्ट के लिए क्या है कि वन अपॉन एच वन ए है प्लस बी वन अपॉन के वन ए प्लस बी टू अपॉन के टू ए प्लस वन अपॉन एच टू ए। दिस इज द हीट ट्रांसफर रेट फॉर्मूला फॉर कंडक्शन कन्वेक्शन थ्रू हीट ट्रांसफर कंपोजिट वॉल। ये हो गया हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला हो गया कंपोजिट वॉल में जब कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों केस हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इसको हम दिखाते हैं यू से, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट को हम कैसे मतलब डिनोट कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा इट टेक इनटू अकाउंट ऑल द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज डिफाइंड फ्रॉम इक्वेशन। इसको हम इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन होता है क्यू इज इक्वल टू यू ए टी जी माइनस टी इन्फिनिटी, टी जी माइनस टी इन्फिनिटी। अब इसको हम इक्वेशन सेकेंड कंसिडर करते हैं और ये जो क्यू निकाल चुके हैं इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं क्योंकि ये भी क्यू है और ये भी क्यू निकाल चुके हैं, तो दोनों क्यू है तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट आ जाएगा, दोनों पार्ट इक्वल आ जाएगा। जब दोनों पार्ट को हम इक्वल करेंगे ये हो जाएगा यू ए टी जी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा टी जी माइनस टी इन्फिनिटी एंड यहाँ से ए कॉमन लेंगे ए जाएगा ऊपर तो ए आएगा यहाँ पे ए ऊपर आ जाएगा यहाँ बचेगा वन अपॉन एच वन प्लस बी वन डिवाइड बाय के वन प्लस बी टू डिवाइड बाय के टू प्लस वन अपॉन एच टू। अब यहाँ से क्या होगा ये इससे ये कैंसिल हो गया एंड एरिया से एरिया कैंसिल हो गया तो यू जो यहाँ बचेगा यू हो गया ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एच वन प्लस बी वन अपॉन के वन प्लस बी टू अपॉन के टू प्लस वन अपॉन एच टू, ये ऊपर में आ जाएगा वन। तो ये हो गया ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट का फॉर्मूला, यू इज इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट का फॉर्मूला ये हो गया। आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वन अपॉन रेस्ट ये आ जाएगा। ये कैसे आएगा, तो ये आएगा आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से ऑल वैल्यू ए से ए एंड टी जी माइनस टी इन्फिनिटी से ये कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट ये बचेगा, इसी को बोलते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट रिमेंबर कीजिए, यहाँ पर नोट पॉइंट है टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन इन स्लैब इज लीनियर,
लीनियर मतलब टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन इन स्लैब इज लीनियर। तो स्लैब में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो लीनियरली होता है। हमेशा याद रखिए कि स्लैब में टेम्परेचर का वेरिएशन लीनियरली होता है, लीनियर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन स्लैब। तो ये कंडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़े थे, स्लैब और कंपोजिट स्लैब, इसमें सब कुछ देख लिए हैं। सिंपल स्लैब देखे, कंपोजिट स्लैब भी देखे, कंडक्शन कन्वेक्शन का जो है ये भी देख लिए, कंडक्शन कन्वेक्शन थ्रू कंपोजिट वॉल या कंपोजिट स्लैब ये भी देख लिए। उसके बाद ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी फाइंड कर लिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हॉलो सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, हॉलो सिलेंडर में किस टाइप से होता है, फिर पढ़ेंगे हॉलो स्फीयर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है कंडक्शन के हेल्प से। तो अपना वैल्यूबल फीडबैक देते रहिए, चैनल पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल है वो शेयर डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, छोटा सा एक हेल्प हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हम देते रहें, जो भी चैनल पे हम जो भी देते रहें, अभी तो स्टार्टिंग है, बट मैकेनिकल का जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए बेल आइकन हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऑल अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे टाइम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।